केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बुधवार को रोटा वायरस वैक्सीन के नियमित टीकाकरण का शुभारंभ नवादा सदर अस्पताल के मातृ शिशु कल्याण केंद्र में सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनाथ प्रसाद के द्वारा नवजात को 5 बूंद दवा पिलाकर किया गया। उद्घाटन पश्चात उन्होंने कहा कि डायरिया से हर साल बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। रोटा वायरस एक अत्यधिक संक्रमण वायरस है। ये वायरस एक बच्चे से दूसरे बच्चे में दूषित पानी, दूषित खाने तथा दूषित हाथों के संपर्क में आने से फैलता है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा इस रोटा वायरस वैक्सीन की बूंद से वंचित न रहे। सरमाग लाइफ के लिए नवादा से सुरेश राय के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। आज 3 जुलाई से जो है हमारे टीकाकरण में एक नया आयाम जुड़ा है, उसको रोटा वायरस कहते हैं। रोटा वायरस जो है ये बच्चों के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि जो छोटे बच्चों में खासकर 5 साल से नीचे 0 से 5 साल के बीच में जो है जो डायरिया होता है वो मोस्टली डायरिया जो होता है रोटा वायरस के कारण होता है। और आपको ये बता दें कि पूरे रोटा वायरस के कारण 5 साल के नीचे के बच्चों में मृत्यु जो है 40% होता है। और ये वायरस है इसलिए इसके डायरिया का कंट्रोल अगर तुरंत नहीं किया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है।